अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं इंजीनियर अदील जाफ़र बात कर रहा हूँ शेल्टर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज से। आज हम जिस साइट पे आए हैं ये ड्रीम गार्डन्स में है। ड्रीम गार्डन्स जो हमारा रेविन रोड पे आता है, वहाँ पे हमारी ये साइट है। तकरीबन 27 मरले की ये हमारी कंप्लीट साइट है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये ब्रिक वर्क और ये हमारा काम किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको ब्रिक वर्क के बारे में एक जनरल नॉलेज, एक मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो बतानी है। मैं ज़्यादा टेक्निकली इसमें नहीं बोलूँगा, देसी लैंग्वेज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यूज़ करूँ, और जो आप जितने भी व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं ताकि उनको पता चल सके कि जी ब्रिक वर्क की डिफरेंट क्वालिटीज़ क्या हैं। आपने ब्रिक वर्क में सीमेंट और सैंड की, यानी जो हमारा मसाला है उसकी रेशो क्या रखनी है, और ईंटें किस तरह की यूज़ हों। और इस टाइम अगर आप देख रहे हैं तो हम मेजरली 4 फुट चुनाई हमारी घर की मुकम्मल हो चुकी है, और कुछ हमारी दीवारें ये जो जिस तरह पीछे नज़र आ रही हैं हमारी 8 फुट पर पहुँच चुकी हैं। आइए मैं आपको इसकी मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो शेयर करता चलता हूँ। जी, तो हम ब्रिक वर्क की बात कर रहे थे। मैं आपको इसका जो फ्रंट फेस है, यानी जो एक दो फेस होते हैं दीवार के, एक ये फ्रंट फेस होता है, एक ये बैक वाला फेस होगा, जो कि मैं अभी आपको जाके दिखाऊंगा। ये हमारा फ्रंट फेस है, ये नीट एंड क्लीन होता है। इसको देसी लैंग्वेज में कहते हैं कि हमने फ्रंट पे कसंडा या टीप जो है वो हमने ब्रिक वर्क को किया हुआ है, ठीक है। मोस्टली ये होता है, अक्सर क्लाइंट्स ये शिकायत करते हैं कि आपका जो बैक साइड है वो जो है वो क्यों नहीं इतनी नीटनेस आ रही। तो वो मैं बताता चलूँ कि हम अपनी लेबर से उसको भी नीट करवाते हैं, उसको भी एक्स्ट्रा टाइम बेशक इसमें लगता है, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट हम अपनी लेबर से जो बोथ साइड्स ऑफ द वॉल है उन दोनों को हम नीट कराते हैं, ताकि कोई पोर्स या कोई खला जो है वो हमारे ब्रिक वर्क में बाकी ना रहे। और ये मकसद सिर्फ ये होता है कि हम क्वालिटी जो है वो क्लाइंट को डिलीवर करें। इसमें मैं ये बताता चलूँ, एज एन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसमें स्ट्रेंथ का या मजबूती का एज सच कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एस्थेटिक पर्पजेज़ के लिए है कि क्लाइंट को जो ये चीज़ है ये साफ़ लगती है। ऑब्वियसली इसकी लेबर कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा मटेरियल शटील भी ज़्यादा लगता है, बट वो नेग्लिजिबल है। लेकिन ओवरऑल एक ब्रिक वर्क की एक बहुत खूबसूरत जो है वो लुक जो है वो बनती है, और हर देखने वाले को ये काम जो है वो नो डाउट बहुत पसंद आता है।